तो आज हम बनाने वाले हैं कापी फिश फ्राई। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कापी फिश, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और हमने इस पे स्लाइट कट्स लगा दिए दोनों साइड से। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, टैमरिन प्यूरे और इसे फिश पे अच्छे से लगा लेंगे दोनों साइड से और इसे थोड़ा सा कट्स के अंदर भी हम इसे लगाएंगे। तो अभी अच्छे से लग गया, अब हम इसे मैरिनेट कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारा सेकंड मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है चिली और गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे हमने 3 ग्रीन चिलीज और 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स लिया है, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून वाटर और इसका एक मिक्सचर बना के रेडी करेंगे। तो हमारा मिक्सचर बन गया, अब हम इसे फिश पे लगा देंगे दोनों साइड पे अच्छे से और ये जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी हम इस मिक्सचर को लगाएंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो फिश एब्जॉर्ब कर ले। तो अब ये लग गया है, अब हम इसे मैरिनेट कर देंगे 1/2 आवर के लिए। तो अब हमारा फिश मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है सेमोलिना यानी कि सूजी। हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम फिश को इस पे कोट करेंगे दोनों साइड से। हल्के हाथ से हम टैप करेंगे, इससे ये सेमोलिना यानी कि सूजी फिश पे अच्छे से चिपक जाएगा। तो अब कोटिंग हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। क्योंकि हम शैलो फ्राई करने वाले इसलिए हम यहाँ पे लेस ऑयल ही ऐड करेंगे। अब तेल को हम थोड़ा गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा फिश। और अब हम फिश को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब हमारा फिश एक साइड से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो अब हमारा फिश फ्राई बनके रेडी है।